अबले तो माई बाबूजी के ई मालूम रहल कि हम दोनों खुश नहीं बानी, लेकिन अब तो इहो पता चली गई कि हम दोनों एक ही कमरा में बेगाना जैसन रहेला। जितना करीब होके भी हजारों कोसों के दूरी बा, पति के साथ रहले के भी वक्त के तन्हाई में हर पल गुजरत बा। हे ईश्वर, हमरे आशा के नगरी में इंतजार की घड़ी कब खत्म हुई? ना जानी प्यार की खुशबू लेके वो हवा कब आई, जैसे हमार तन मन महक जाए और हमरा मन के भौरा दिल के समीन पर बास करी। बड़ी सोच में डूबल बाड़ो? अब नहीं तो ला ये नींबू पानी पीला, इससे ज्यादा फायदा होए, पीला। थैंक्स। अब एमे थैंक्स के कौनो बात नहीं बा, तोहार तबियत खराब बा, ऐसे नींबू पानी ले आई नहीं। रोवा खाना खा लेनी? हाँ, हम खाना खा ले ले बानी। अब तो नींबू पानी पीला। एक तरह से ये अच्छा ही भइल कि हमार तबियत खराब हो गई और रोवा यही वजह से कम इतना ख्याल तो रखत बानी। इस सच में रोवा के दिल में हमरे प्यार के पौधा अंकुरित हो रहल बा कि तबियत खराब पहले से हमदर्दी बा। अगर हमरे तबियत खराब पहले से बीमार होवे से रोवा के दिल में हमरे पते जगह हो जाए, तो हे भगवान, हमरा के कोनो बड़ी बीमारी दे दो चौना से हमके हमरे पति के प्यार मिल जाए। चाहत के चांदनी से गम के अंधेरा हमेशा बदे खत्म हो जाए। हाँ? कहाँ खो गए बाड़ो? अब एक गिलास नींबू पानी पिए में इतना टाइम? पीला बाबूजी, आज हमार मन इस सोचकर दुखी हो रहल बा कि हम रउआ लोगन से बहुत दूर हो गेल बानी। अगर आज हम रउआ लोगन के साथ रहती, आज हमरे खुशी के ठिकाना न हो और रउआ भी हमरा के खुशी खुशी आशीर्वाद देके यह कहते कि श्यामली बेटी तू बहुत बड़ी स्टार बन जा। चला श्यामली, जल्दी करा, 12 बजे का टाइम राज बिहारी देले बड़न, चला ना तो देर हो जाए। का बात बा? तोहरा चेहरा पे उदासी काहे बा? अरे आज तो तोहरा के खुश होवे के चाही ना, काहे के आज तो राज बिहारी के फिल्म में काम करे के फाइनल हो जाई ना। फिर का सोचत बाड़ू? यह सोचत बानी कि आज हमरे के कितना बड़ा मौका मिलल बा, आज हमार सबसे बड़ा सपना साकार हो जाए, जौने बदे हम अपन घर द्वार छोड़ के आई बानी। चांदनी, कामयाबी की पहली सीढ़ी पे चढ़े से पहले हम अपने माँ बाप के आशीर्वाद ले चाहत बानी, पर वो हमरे नसीब में ना बा। छोट से बड़ा काम, कौनो भी काम करे से पहले हम अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेत रहली। हम समझत बानी, तोहार माई बाबूजी दूर बड़न ना, तो का भइल, उनकर आशीर्वाद तो तोहरे साथ बा ना। रउआ के ई तो मालूम हुई कि हमरे वजह से ना जाने का भइल हुई, तो माई बाबूजी हमरा के आशीर्वाद कैसे दई हैं? तू ई सब सोच के अपने आप के दुखी मत करल। रउआ साँचे कहत बानी, पर हम सोचत बानी कि घर से निकले से पहले
कम से कम एक फोन करके अपने बाबूजी की आवाज सुन ले। लेकिन श्यामली, रउआ इहे कहे चाहत बानी ना कि बाबूजी हमरा से बात करी है कि ना करी है। हमरा के मालूम बा वो हमसे कबो बात ना करे, पर हम सोचत बानी कि कम से कम एक बार फोन करके अपने बाबूजी के आवाज सुन ले। हाँ, का भाई फोन क्यों नहीं उठवले का? चांदनी, हम बहुत बदनसीब औलाद बानी, हम चाह के भी अपने बाबूजी से बात ना कर सकेला, उनके ई ना बता सकेला कि हम रउआ के बेटे श्यामली बोलत बानी। आशीर्वाद मांगब तो दूर, हम उनसे बात तक ना कर सकेला। श्यामली, जब फोन करेलू तो बात कर लेवे के चाहत रहल ना। कौने मुँह से हम अपने बाबूजी से बात करती? हमरा वजह से बाबूजी के दिल पे कितना जख्म लगल बा। इहे सोच के हम चुप रहली कि बाबूजी के जख्म फिर से ना हरा हो जाए। चांदनी, अब हमके चाहे जौन दुख पड़े पर हम अपने परिवार के दुख ना पड़े दे। लोग साचे कहलन, कुछ पाए के खातिर कुछ खोए के पड़ेला, और उही बात तोहरे साथ भी बैल बा। तू अपने पूरे परिवार से बेगाना हो गयल बाड़ू, ई बात के दुख तोहरा के भी बा और हमरा के भी बा। हाँ चांदनी, तू सही कहत बाड़ू। श्यामली जल्दी करा, पहले से ही देर हो गयल बा। अनीता, का बात बा? आज तू कॉलेज नहीं गई लो? का भेला? काले जोवन तबियत खराब रहल, ओ वजह से हम सोचनी आज घर में आराम कर ले। चला बैठा। देखा, अगर तोहरा के डॉक्टर के पास चले के बा त चला हम साथे ले चलत बानी। नहीं, अभी हमरा के आराम बा, डॉक्टर के पास गईले के कोनो फायदा नहीं खे। अब रउआ के तबियत भी खराब बा और डॉक्टर के पास गई भी जरूरी नहीं बा। हम त कहत बानी चल के दवाई लेला, जल्दी आराम हो जाए। रुआ तो खामा खाम जिद करत बानी, हम सच कहत बानी, हम ठीक बानी। ए आनंद, ए बाबू, ए भगवान, गजब हो गई, ए भगवान गजब हो गई आनंद। हरी दादा। ए बुआ, तू इतना परेशान काहे बाड़ू? परेशानी? अरे बहुत बड़ा परेशानी बा दादा। अरे दादा, हम तो जब से सुन ले बानी हमार जान प्राण एक होत बा। पर भइल का जौन इतना परेशान बाड़ू? अच्छा अच्छा, पूछत बाड़ा तो बतावे हिक परी। पंडित जी तोहार और अनीता के कुंडली देख के कहले रहलन के अनीता के कुंडली के वजह से आनंद के जिंदगी में ग्रह के महादशा चलत। बुआ, रउआ बेकार में परेशान हो रहल बानी, हमरा पे कौनो ग्रह दशा नहीं बा। ए बाबू, समझे के कोशिश करा। ग्रह का महादशा जब चल जाला ना तो सब काम बिगड़ जाला, घर के शांति भंग हो जाला। अरे सब काम में बाधा आवला, अरे कामयाबी के रास्ते में रुकावट आ जाला बाबू। बुआ चिंता ना करी, कछु ना होई। अब देखी, अगर पंडित जी बुआ से कहलन तो सच होई। बुआ, एकरा कोनो उपाय नहीं बा? बा ना,
उपाय तबा पंडित जी कहलन के अगर अनीता दुई दिन तक बिना कुछ खैले पियले शिवजी की स्तुति करे तो ई ग्रह के महादशा समाप्त हो जाए। अगर ऐसा बात बा तो दो दिन का चार दिन भी हम बिना खैले पीले शिवजी की आराधना करब। कौनो जरूरत नहीं भाई सब कैले के, और हमरा पे कौनो दशा महादशा नहीं बा। और एक बात तू कान खोल के सुन ला, अगर हमसे पूछ ले बिना हमरे बदे कौनो भी स्तुति कैलू तो ठीक नहीं होई, समझ लू। लेकिन हम लक्षण ये हमार राजा के हमारे एको बतिया नीक ना लगता। अरे ये तो हमार भतीजा बा तो हमें तो दुख होई ना। देख अनीता, हमार फरज रहल हम तो बता देली, आगे तुहार मर्जी, ना करे चाहे कही ले। देखा पूरे 10 मिनट लेट हो गल बानी। अरे थोड़ा इधर विधर तो हो जाला ना। ई तुहार भूल बा, अगर जिंदगी में कुछ करे के बना तो समय के साथ साथ चलल बहुत जरूरी बा, वरना लेट हो जाला। तुहार बात सोरा आने सही बा, पर हम जानबूझ के थोड़ी ना देर कइले, एमे तोहरो हाथ तो बा। हेलो राजू जी। हाँ जी मिस्टर राजबिहारी हमन। हाँ हाँ बैठी ना रुआ सब। हाँ उनके कह दी हम आ गए। हाँ हाँ कहते नहीं अब बैठी रुआ सब। सर 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 इंतजार के घोड़ी खत्म हो गई। अरे बेकरारी से बाहर आई अब केले में। का मतलब रे? अरे मतलब हमारी हीरोइन मतलब राहुल हीरोइन श्यामली आ गई भाई। अरे कहाँ आ गई बा? बाहर बैठल बड़ी। भेजी भेजी भी तो और केले में जो कह दे कि साहब बिजी बाने ठीक है हटा इंतजार कर रहे। लेकिन रउआ तो एकदम फ्री बैठल बनी। समझ गई नहीं समझ गई नहीं। वो दिने रउआ इंतजार कोइले रही तो एबरा ओकरा के इंतजार करावे के विचार बा। ते जितना कहत बनी उतने कर ठीक बने जो है जो भाग। लेकिन सर एक बार तनी सोच ली ना। अरे वो अपन हीरोइन ही आ अकेले में। अच्छा सर सर देखिए हमार सर फोन है समझ ले जितना कह ली उतना कर ठीक बा। सर तनी से एक बार विचार कर ली ना अकेले में। देख इकरे बात ते कोनो सवाल जवाब करबे तो के भगा दे और दूसरा सिस्टम रख ले तुम समझ ले बकलोन कहीं के। प्लीज ऐसा मत करी सर अकेले में हम का करब है बुझल ना। हाँ बुझ गई नहीं जो और जो बाहर फेंक दिए। बैठी 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 काहे कहा था कि वो साहब तनी बिजी बानी जैसे ये फुर्सत मिली वो सही रहुआ सबको बुला ली हम। का ज्यादा बिजी बाड़न? आता ना बिजी तो शायद कोई होई जरूरत से ज्यादा ही बिजी बानी। रहुआ सब बैठी ना बैठी हम। हाँ बैठी बैठी कुछ ले जाए रहुआ सब। का बात बा अनीता, तू यहाँ काहे बैठल बाड़ू? प्रैक्टिकल बदे लैब में काहे ना आइलू? बस मन ना कैलस इहे वजह से ना आइली। हम जानत बानी तुहार मूड काहे बदे खराब बा। तू विनय के बारे में सोच के परेशान बाड़ू? का बताई पायल, हमरा के कुछ समझ में नहीं आवत कि हम का करें। ई तो हर इंसान के किस्मत के खेल बा, केहू हार जाला तो केहू जीत जाला।
और तोहरा साथ किस्मत अजीब खेल खेलत बा। विनय तोहरा साथ बेइंतहा प्यार करेला। शायद इतना प्यार केहू और ना करत हुई। फिर भी तू विनय के ना हो सकलो। लेकिन तू विनय के बारे में ज्यादा मत सोचा। हम विनय से बात करब, हम ओकरा के समझाए। तू चिंता मत करा। चिंता कैसे ना करी, कैसे ना करी हम चिंता। विनय सब कुछ जानत बा, सब कुछ मालूम बा ओकरा के। फिर भी हमेशा वही बात करेला। ओकरा के मालूम बा कि हम शादीशुदा बानी। अब ओकरा से हमरा कोनो रिश्ता नहीं के, फिर काहे वैसन करत बा। अनीता, प्यार करके भुलावे वाला हजारों मिल जाई है, लेकिन प्यार करे वाला मुश्किल से मिलेला। हम सब जानत बानी पायल, लेकिन हमरा के चिंता बस एको बात के बा कि अगर विनय अपन MBBS की पढ़ाई पूरा ना कर पाए हन तो ओकर सारा जिम्मेदार हम होई। बस हमार मन में तो एक ही दुविधा बा कि विनय कहीं अपन मोहब्बत के साथ साथ अपन भविष्य ना बर्बाद कर दे। हेलो। हेलो, हाँ विनय बोला तनी। कैसन बाड़ू? हम तो ठीक बानी। और रउआ कैसन बानी? बस हम ठीक है बानी। और सब घर पे? सब ठीक बा। अच्छा एक बात बताओ कि अनीता के का समाचार बा? दीदी के समाचार तो ठीक बा। का बात बा विनय बाबू? बड़े ख्याल बा। का है? केहू के बारे में कोई ना पूछ सकला का? अरे भाई, अनीता हमारे कॉलेज में हमारे संगे पढ़े ली और हमारे दोस्त बाड़ी। कौन करा बारे में हम खबर ना पूछ सकेला? जरूर पूछे के चाही, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आवेलन। तहार काल तो ठीक बा विश्वा, लेकिन तुहार बहन अनीता ऐसन बाड़ी कि वो हमारे सपनों में आके हमारे खबर ना पूछे ली। विनय बाबू, अब दीदी शादीशुदा बानी। अब दीदी की जिंदगी में दोस्त कम और घर ज्यादा मायने रखेला। सच कहे विश्वा, तो तुम बहुत बढ़िया नसीहत दे लो। मतलब? मतलब यही कि तुम अपन दीदी अनीता जी से नहीं सोचे लो। आखिर बहन कहकर बानी। और हाँ, एक बात पूछी भुला गई थी, दीदी कॉलेज नहीं आवेली का? आवेली? जब दीदी कॉलेज आवेली तो रउआ बार बार हमसे काहे पूछे लग? लागत बा दीदी तोहरा से बात नहीं करे चाहे तो यहाँ फोन काहे करेला। एक बात कहे मैंने बाबू, दीदी के वहाँ दुनिया भर के खुशी मिलता। दीदी के बारे में सोचल छोड़ दा। और हाँ, यहाँ आप दोबारा फोन कबू मत करें। इतना आसानी से अनीता के बारे में सोचल ना छोड़ा। कयामत से पहले कयामत आ सका था, लेकिन हम अपन मोहब्बत के कभी नहीं के भुला सका। कहे कि अनीता हमार पहली और आखिरी मोहब्बत बाड़ी, और उकरा पावे खाती हम आखिरी सांस तक दम लगाते।